हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, जहां पर कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, कुछ स्टॉक्स यहां पर ब्रेकआउट देने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड हम यहां पर बातें करने वाले हैं। और स्पेशली बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी इसका फिलहाल में आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या ये भी ब्रेकआउट में है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, और जितना हो सके प्यार दीजिए और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो हमारी आ गई है, जहाँ पर हमने अगेन मनाली पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड बातें करी है। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर मनाली पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तब टारगेट अचीव हुआ, अगेन वीडियो बना रहे हैं, अगेन टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा किस तरीके से हम स्टॉक्स को चुनते हैं और उन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आती है, तो वही मैं आपको बार बार अपनी चैनल पे बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। और ये कोर्स को मैं कोई पॉपुलराइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्यूरियस कि हाँ, यहाँ पर अगर आप इस तरीके के कोर्स करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर लोग जो मार्केट में केवल आते हैं, बिना देखे पैसा लगा देते हैं, वो उस चीज से बच जाएंगे, ओके, और यहाँ पर हजारों लाखों रुपए गवा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी फीस देके, छोटी सी फीस देके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें हम रिसर्च, किस तरीके से स्टॉक्स को पिक करना है, क्या ऐसे पैरामीटर होते हैं कि स्टॉक्स को पिक करके फिर वहां पर टेक्निकल लगा के पैसा बनता है। कोर्स कंप्लीशन, 3 मंथ्स के प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं, ऑनलाइन नोट, सब चीज यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इन नंबरों पे आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी है। स्टिल अपने दिल की तसल्ली के लिए आप इन नंबरों पे यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। सिरमा एसजीएस की अगर हम बात करें, तो एक इंजीनियरिंग स्टॉक से ज्यादा हमारे पास डेटा है नहीं, क्योंकि अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ये बनाता हुआ दिखाई देता है, ओईएम्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ओके, फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेज टू वॉल्यूम प्रोडक्शन, थ्रू कंसेप्ट को क्रिएशन एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मतलब सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये कंपनी करती है। और अगेन ये कंपनी भी चेन्नई बेस्ड है, यहाँ पर हमने मनाली से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो ये भी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ये भी चेन्नई बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर बात करें कंपनी की, सिरमा टेक्नोलॉजी फोकस इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कंपनी, इंगेज इन ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के मामले में चीजें यहाँ पर भारत में चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनी जो यहाँ पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती है, मदर बोर्ड बनाती है, और मेमोरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है। तो याद रखिए, ऐसी कंपनी का फ्यूचर अभी भारत में और विदेशों में तो चल रहा है, पर भारत में यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके की कंपनी भागती हुई नजर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, तो पूरे यहाँ पर बात करें इंडिया को नॉर्थ में और साउथ के थ्रू पूरे पैन इंडिया को यहाँ पर कैप्चर करते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर शेयर है, कैन एक्विजिशन चलते हुए नजर आते हैं। कंपनी ने अभी आईपीओ के थ्रू पैसा यहाँ पर जुटाया था। डेट की बात करें, 38% का ही डेट है। ओके, शेयर की बात करें, शेयर यहाँ पर 70 के पीई पर चल रहा है, 2x के यहाँ पर पी पे चल रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 35 है, इसका 70 है, तो स्टिल यहाँ पर शेयर और अच्छा यहाँ पर हो सकता है। किसका इंतजार है, बस इंतजार है यहाँ पर एक रिजल्ट का, जो हमेशा अब जो अब आने वाले हैं इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर, सॉरी इस महीने में या अगले महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। और एक बार जब रिजल्ट आ गए, तो हमें यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी का स्टॉक्स और तेजी दिखा सकता है या कंपनी का स्टॉक्स यहाँ पर क्या कर सकता है। सिरमा से रिलेटेड अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ही मैंने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, ओके, और आपको बताया था कि सिरमा किस तरीके का शेयर है, क्या शेयर अभी खरीदना चाहिए। और जब यहाँ पर 3 वीक पहले वीडियो बनाई थी, उस टाइम सिरमा की बात करें, तो यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा था, और अब यहाँ पर शेयर में एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आ रही है। कंपनी की बात करें, आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, बट हमें ये नहीं देखना, ओके, हम लाइफ लॉन्ग के लिए शेयर नहीं ले रहे, हम केवल एक तेजी के लिए ले रहे हैं कि जब तेजी होगी एंट्री करेंगे, पैसा बनेगा, और यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर पैसे लेके चुपचाप यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे, 200-300% के रिटर्न में निकले। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की, यहाँ पर देखिए ये ग्रोथ दिखाई देती है,
2020-21-22 में किस तरीके से सेल्स बढ़ी है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 2020 के कंपैरिजन में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पर स्टिल कंपनी यहाँ पर इस बार के रिजल्ट देखेंगे कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। रिजर्व्स भी है कंपनी के पास, थोड़ी सी बोरिंग भी है, वर्किंग प्रोग्रेस में 41 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर रखे हैं। इसके अलावा कैश की बात करें, कंपनी का थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा हुआ है। प्रोमोटर्स 47%, FIs भी है, DIIs भी है, पब्लिक भी है यहाँ पर, तो सब कुछ यहाँ पर नजर आता है। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा का शेयर 26 अगस्त को आया था, ओके, यहाँ पर एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लॉकिंग पीरियड एंकर इन्वेस्टर्स का खत्म हो चुका होगा एक महीने में जो होता है। अब यहाँ पर चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट में क्या नजर आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो शेयर था यहाँ से गिरता हुआ नजर आया था, ओके, क्या बना, ये एक कैंडल होती है जो कि यहाँ पर हमें बताती है ये गिर गया है, और यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो हमें बताती है कि यहाँ से चीजें भागती हुई नजर आ रही है। हो सकता है चीजें यहाँ पर टच करके चुपचाप नीचे आए, ओके, और नीचे आने के बाद फिर भागती हुई नजर आए, बट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसके नीचे चीजें आती है तो गिरती हुई नजर आ सकती है, बट जब तक इसके ऊपर है तब तक अच्छा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे ही निकलेगा तो शेयर यहाँ पर सीधे जाता हुआ नजर आएगा इस पॉइंट की तरफ, ओके, जो कि हमारा 342 रुपए का यहाँ पर टारगेट आएगा। और एक बार अगर इसने यहाँ पर ये टारगेट निकाला तो भागेगा। और किसका वेट कर रहा है शेयर, अगर हम बात करें तो रिजल्ट का। एक बार रिजल्ट आ गए, शेयर यहाँ पर तूफान रैली यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की जो यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको बताए थे और तब से यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ रही है। पॉलीमेड, 6 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी पॉलीमेड की, टारगेट सब बताए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमेड 6 दिन पहले वीडियो बनाने के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए इसके आसपास मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, और आप देख सकते हैं क्या रैली यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। शेयर यहाँ पर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 2-3 बार यहाँ पर इसने रुका है, ओके, यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर था, दूसरी बार आके यहाँ पर रुका, नीचे आया, फिर रुका, और इस बार इसने यहाँ पर फाइनली अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट दे दिया। और यहाँ पर अब ये जिस जी यहाँ पर 975 का लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पर 1072 और 1100 तक के यहाँ पर 1166 तक के यहाँ पर टारगेट आते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से टारगेट और ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉलीमेड की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है, कंपनी काफी बेहतरीन है, बार बार आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिसका नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग, बार बार इससे रिलेटेड क्या वीडियो बनाई है तो यहाँ पर देख लेते हैं आरके फोर्जिंग, यहाँ पर देखिए 1 महीने पहले ही वीडियो बनाई थी, ओके, बड़ा ऑर्डर मिला है, टारगेट 250 रुपए, ओके, बार बार बताइए, 1 महीने पहले जब बनाई थी चीजें भागी, भागने के बाद दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे आने का फिर भागती हुई नजर आ रही है, आज ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ओके, हो सकता है चीजें थोड़ी सी दोबारा नीचे आए जैसे हमारा पॉलीमेडिकर में हुआ था, और नीचे आने के बाद चीजें क्या हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर टच करके दोबारा भागे, बट मुझे लगता है ये शेयर अब भागने को पूरा तैयार है, और जिस हिसाब से यहाँ पर ये रैली हो रही है, अब यहाँ पर जो मुझे टारगेट नजर आते हैं सबसे पहले, ओके, मुझे सबसे पहले टारगेट ये नजर आते हैं, जो 250 के टारगेट है ना, वो 250 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाला देखिए, ओके, यही हमारे यहाँ से चीजें गिरी हुई थी राउंडिंग वाटर, जिस दिन यहाँ से निकला चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो आपको ध्यान देना है वॉल्यूम्स वगैरह सब कुछ बेहतरीन है, तो आरके फोर्जिंग की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है। अब बात करते हैं एक और स्टॉक्स की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अतुल ऑटो, ये ज्यादा दूर का निकल गया, 10 दिन पहले इससे रिलेटेड बातें करी थी, ओके, कुछ दिन पहले भी 1 महीने पहले इससे रिलेटेड बातें करी थी, और 5-10 दिन पहले भी इससे रिलेटेड बातें करी है, ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे अतुल ऑटो, और 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से मैंने कुछ सी वीडियो में बात करी होगी और बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर ने तूफान रैली यहाँ पर दिखाई है, यहाँ से जिस दिन निकला 213 का लेवल निकाला, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो ये टारगेट है ना, सबसे पहले टारगेट 270 के है, और 270 पे चीजें रुकने नहीं वाली है, सब कुछ एक्सप्लेन वीडियोज में कर रखा है, ओके, यहाँ पर एक अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आएगा और बेहतरीन रिटर्न आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो इस शेयर की तरफ क्या करना है ध्यान देना है, अतुल ऑटो की तरफ काफी बेहतरीन मुझे यहाँ पर ये शेयर नजर आता है अतुल ऑटो। तो ये कुछ शेयर है, इसके अलावा मैंने आपको न्यू लैंड भी बताया है, न्यू लैंड लेबोरेटरीज किस तरीके से यहाँ पर ये भागता हुआ नजर आ रहा है, और एक और स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, एक क्या दो स्टॉक्स बता देता हूँ, सबसे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ओके, केपीआईटी टेक्नोलॉजी इस तरीके का चार्ट पैटर्न बना रहा है, फ्लैग बनाता हुआ नजर आ रहा है, इस पॉइंट से जैसे ही निकला सीधे टारगेट 800 रुपए, इससे पहले यहाँ पर रुक सकता है,
बट इतने टारगेट मान के चलिए, बड़े बड़े एनालिस्ट दोबारा 900 और 1000 के टारगेट दे रहे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आप एक और शेयर पे ध्यान दीजिए मेरा प्यारा, हैप्पीएस्ट माइंड्स। ओके, आज गिरता हुआ नजर आ रहा है, चीजें हो सकती है यहाँ पर थोड़ा सा 980 के आसपास यहाँ पर आती हुई दिखाई दे, बट यहाँ से एक तेजी होने वाली है जो मुझे यहाँ पर नजर आती है। ओके, इस तेजी का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ये तेजी हुई, ये शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला, ये शेयर दोबारा 1600-1700 रुपये पे जाने वाला है। ओके, रिजल्ट आने दीजिए, आपको खुद यहाँ पर पता चल जाएगा क्यों ये बात शेयर से रिलेटेड मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ पर्टिकुलर शेयर है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, इस कोर्स के बारे में सोचिए, स्टॉक्स के बारे में सोचिए, चीजें अपने आप यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।